अयोध्या से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां ट्रक और पिकअप की जोरदार टक्कर हुई है। हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की कर रही है जांच। अयोध्या प्रयागराज हाईवे का मामला ये पूरा बताया जा रहा है। अयोध्या से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर हाईवे पर जोरदार टक्कर हुई है, ट्रक और पिकअप की हुई है जोरदार टक्कर। हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हुई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की कर रही है जांच। अयोध्या से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, अयोध्या प्रयागराज हाईवे का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर एक जोरदार टक्कर हुई है, जहां तेज रफ्तार का कहर देखने के लिए मिला है। ट्रक और पिकअप की जोरदार टक्कर होने की वजह से मौके पर ही 3 लोगों की मौत हो चुकी है। मौके पर पहुंची पुलिस ने अयोध्या से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अयोध्या प्रयागराज हाईवे का है ये पूरा मामला, जहां पर जोरदार टक्कर हुई है, जहां पे मौके पर ही 3 लोगों की मौत हो गई है। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। अयोध्या से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां तेज रफ्तार का कहर देखने के लिए मिला है। अयोध्या प्रयागराज हाईवे का है ये पूरा मामला। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राघवेंद्र फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो राघवेंद्र, किस तरीके की जानकारी मिल पा रही है, क्या? जी बिल्कुल, जिस तरीके बता दें आपको कि अयोध्या और प्रयागराज हाईवे के बीजापुर कोतवाली क्षेत्र के पास में हुआ है ये देर रात की घटना है, जिसमें पिकअप और ये टैंकर था तेल का, जिसमें डीजल लदा हुआ था, और दोनों की आमने सामने भिड़ंत हुई है, जिसमें मौके पे ही 3 लोगों की मौत हो गई है, पिकअप सवार लोगों की। पुलिस जो है इनकी जांच कर रही है कि ये गाड़ी कहाँ की थी और कैसे थी, मतलब बड़ी मशक्कत के साथ भी उनकी डेड बॉडी को निकाला गया है। डेड बॉडी निकालने के बाद वो पंचनामा कर रही है पुलिस। और ये पूरा मामला जो है वो शेरपुर पारा प्रयागराज हाईवे पे हुआ है। जी राघवेंद्र, क्या कुछ और लोगों की भी होने की संभावना बताई जा रही है, क्या कुछ और लोग भी मौजूद थे मौके पर? नहीं, देखिए 3 लोग उसमें सवार थे पिकअप में, और जो कि 3 के 3 लोग ये टेंट का काम करते थे, जिसमें टेंट लोड करके और गाड़ी ले करके कहीं जा रही थी उसको, और बीच रास्ते में ही टैंकर से जब इसकी भिड़ंत हुई है आमने सामने की, तो 3 लोग पिकअप सवार की मौत हो गई है। तो राघवेंद्र, क्या इनके परिवार वालों को सूचना दे दी गई है इस बात की? देखिए ये सारा मामला देर रात का था, पुलिस छानबीन करके जुटी थी और पता लगा कि ये यही पड़ोस के सोहम टेंट हाउस है, जो कि ये किशनगंज बाजार पड़ती है, वहाँ टेंट हाउस का काम करते थे, और वहाँ के फिर उसके बाद उनके परिजनों को सूचित करके और बॉडी जो है वो पंचनामे के लिए भेज दिया गया। जी बहुत बहुत शुक्रिया राघवेंद्र हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। अयोध्या से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे थे, जहां ट्रक और पिकअप की जोरदार टक्कर होने के कारण हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है, और मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। बलिया से इस वक्त की बड़ी खबर, किसान के गन्ने की फसल में लगी है आग, पराली जलाने से किसान की फसल में लगी है आग। आनन फानन में किसान ने डायल किया 112, मौके पर पहुंची है फायर ब्रिगेड की टीम, फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर पाया है काबू, तब तक किसान की फसल जलकर हुई नष्ट। बलिया से इस वक्त की बड़ी खबर, पराली जलाने वालों पर प्रशासन नहीं कर रही है कोई भी कार्रवाई, मनिया थाना के अंतर्गत की है ये पूरी घटना, किसान के गन्ने की फसल में लगी है आग। बलिया से इस वक्त की बड़ी खबर, पराली जलाने से किसान की फसल हुई है नष्ट। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां हम आपको बताने जाएंगे कि गौतम अडानी एशिया में सबसे अमीर आदमी, अडानी अब भारत के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक, अडानी ग्रुप के शेयरों में आया भारी उछाल, गौतम अडानी अब देश के सबसे अमीर उद्योगपति।
अडानी ने एशिया में बनाया नया कीर्तिमान। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां गौतम अडानी एशिया में सबसे अमीर आदमी घोषित हुए हैं, जहां अडानी अब भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कहे जाएंगे। अडानी ग्रुप के शेयरों में आया है भारी उछाल। गौतम अडानी अब देश के सबसे अमीर उद्योगपति। अडानी ने एशिया में बनाया है नया कीर्तिमान। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां अडानी ग्रुप के मालिक आए हैं नंबर वन पर। गौतम अडानी एशिया में सबसे अमीर आदमी। अडानी अब भारत के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक। अडानी ग्रुप के शेयरों में आया है भारी उछाल। गौतम अडानी अब देश के सबसे अमीर उद्योगपति। छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर, धारदार हथियार से हत्या का मामला आया है सामने। युवक ने हत्या कर वीडियो बनाकर किया है वायरल। दो युवकों के बीच हुआ था जमीनी विवाद। छत्तीसगढ़ के जांजगीर जिले की है ये पूरी घटना। छत्तीसगढ़ से धारदार हथियार से हत्या का मामला आया है सामने। युवक ने हत्या कर वीडियो बनाकर किया है वायरल। दो युवकों के बीच हुआ था जमीनी विवाद। छत्तीसगढ़ के जांजगीर जिले की है ये पूरी घटना। छत्तीसगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। युवक ने हत्या कर वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर किया है वायरल। दो युवकों के बीच हुआ था जमीनी विवाद। छत्तीसगढ़ के जांजगीर जिले की है ये पूरी घटना। छत्तीसगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। युवक ने हत्या कर वीडियो बनाया है सोशल मीडिया पर किया वायरल। दो युवकों के बीच हुआ था जमीनी विवाद। छत्तीसगढ़ के जांजगीर जिले की है ये पूरी घटना। धारदार हथियार का मामला है ये। युवक ने हत्या कर वीडियो बनाकर किया वायरल। छत्तीसगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। पच्चीस नवंबर यानी आज है महावीर जयंती। महावीर जयंती को रहेगा मांस रहित दिवस। इस अवसर पर पूरे यूपी में पशु वधशाला बंद की गई। गोश्त की दुकानें बंद रखने का आदेश जारी। 25 नवंबर यानी आज है महावीर जयंती। महावीर जयंती को रहेगा मांस रहित दिवस। इस अवसर पर पूरे यूपी में पशु वधशाला बंद किए गए। गोश्त की दुकानें बंद रखने का आदेश जारी किया। 25 नवंबर यानी आज महावीर जयंती के मौके पर पशु वधशाला बंद रखने का निर्देश दिया गया है। महावीर जयंती को रहेगा मांस रहित का दिन। इस अवसर पर पूरे यूपी में पशु वधशाला बंद और गोश्त की दुकानें बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। महावीर जयंती के मौके पर लिया गया ये बड़ा फैसला। नोएडा से इस वक्त की बड़ी खबर, पीएम मोदी और सीएम योगी का गौतम बुद्ध नगर में दौरा। जेवर एयरपोर्ट के शिलान्यास की तैयारियां पूरी। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का करेंगे शिलान्यास। पीएम मोदी और सीएम योगी का गौतम बुद्ध नगर में दौरा है आज। जेवर एयरपोर्ट के शिलान्यास की तैयारियां पूरी की गई, जहां नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का करेंगे शिलान्यास। पीएम मोदी और सीएम योगी का गौतम बुद्ध नगर का दौरा। उप मुख्यमंत्री का आज सीतापुर का दौरा है, जहां दिनेश शर्मा 12:30 पर सीतापुर के लिए होंगे रवाना। बूथ अध्यक्ष सम्मेलन और अवध क्षेत्र में होगी। 3:10 पर उप मुख्यमंत्री का आज सीतापुर का दौरा बताया जा रहा है। दिनेश शर्मा 12:50 सीतापुर के लिए करेंगे प्रस्थान। बूथ अध्यक्ष सम्मेलन और अवध क्षेत्र में करेंगे प्रतिभाग। 3:10 लखनऊ के करेंगे प्रस्थान। उप मुख्यमंत्री का सीतापुर का दौरा है आज। दिनेश शर्मा 12:50 सीतापुर के लिए करेंगे प्रस्थान। कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, बदमाशों ने कमिश्नरेट पुलिस को दी है चुनौती। कार सवार बदमाशों ने गोली मार कर की लूट। कानपुर में ज्वेलर्स पिता पुत्र को गोली मार कर लूटा बैग। पिता बेटे को निजी हॉस्पिटल में कराया गया भर्ती।
मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। नौबस्ता थाना क्षेत्र के ब्लॉक बसंती मार्केट का है ये पूरा मामला। बदमाशों ने कमिश्नरेट पुलिस को दी है चेतावनी। कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, कार सवार बदमाशों ने गोली मार कर की है हत्या। कानपुर में ज्वेलर्स पिता पुत्र को गोली मार कर लूटा बैग। पिता बेटे को निजी हॉस्पिटल में कराया गया है भर्ती। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। यूपी चुनाव को लेकर बीजेपी की बैठक है आज। संगठन मंत्री बीएल संतोष आज करेंगे बैठक का संबोधन। यूपी के सभी प्रभारी सह प्रभारी रहेंगे बैठक में मौजूद। कुछ वरिष्ठ नेताओं को बैठक में बुलाया गया। चुनाव की आगे की रणनीति पर होगी चर्चा। इस वक्त की बड़ी खबर, यूपी चुनाव को लेकर बीजेपी की बैठक है आज। संगठन मंत्री बीएल संतोष आज करेंगे बैठक का संबोधन, जहां यूपी के सभी प्रभारी सह प्रभारी रहेंगे बैठक में मौजूद। कुछ वरिष्ठ नेताओं को बैठक में बुलाया गया। चुनाव की आगे की रणनीति पर होगी चर्चा। आज उत्तर प्रदेश वासियों को मिलेगी बड़ी सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को करेंगे संबोधित। एयरपोर्ट बनने से लाखों लोगों को मिलेगा रोजगार। ग्रेटर नोएडा के जेवर में 12 बजे शिलान्यास होगा। आज उत्तर प्रदेश वासियों को मिलेगी बड़ी सौगात, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे। एयरपोर्ट बनने से लाखों लोगों को मिलेगा रोजगार। ग्रेटर नोएडा के जेवर में 12 बजे होगा शिलान्यास। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां उत्तर प्रदेश के प्रदेशवासियों को बड़ी सौगात मिलने जा रही है, जो प्रधानमंत्री मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे। एयरपोर्ट बनने से लाखों लोगों को मिलेगा रोजगार। ग्रेटर नोएडा के जेवर में 12 बजे शिलान्यास होगा।